आर्यम के मामा पंकज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह थी कि जयदेव का अब भी कई लोग सपोर्ट करते थे। समाज में उसकी छवि एक ईमानदार नेता की थी, जिससे लड़ने के लिए आर्यम और उसके मामा दोनों ही बड़े परेशान थे। जैसे ही आर्यम सुनता है कि उसके मामा के पास कोई ऐसी एक चीज है जिससे जयदेव को झटका पहुंचेगा, वो बड़ा क्यूरियस हो जाता है। वो सीधा उनसे पूछता है, सच में मुझे बताइए, ऐसी आपके पास एक कौन सी चीज है? मैं तो खुद कई दिनों से जयदेव के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। इस बार मुझे सेलिब्रिटीज से थोड़ा सपोर्ट कम मिल रहा है, वरना मैं उनकी मदद से आपको कोई ना कोई दिलचस्प सबूत जरूर दिलवा देता। उसके मामा उसे रोकते हुए कहते, आर्यम अब उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हाथ में आई है। तुम्हें याद है वो क्रिमिनल जिसके बारे में तुमने मुझे पिछली बार बताया था? मेरे पास अभी खबर आई है कि वो पकड़ा गया है। मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुमने उसको हर जगह ढूंढने के लिए अपने आदमी भेज दिए थे। उसके मामा को पता था कि उसके क्रिमिनल ने क्या काम किया है जिसकी वजह से आर्यम और बाकी लोग सब उसे ढूंढ रहे, पर फिर भी वो आर्यम के मुंह से एक बार ये बात सुनना चाहते थे। उस क्रिमिनल के पकड़े जाने की बात सुनकर तो आर्यम बड़ा खुश हो जाता है। वो तुरंत उनसे पूछता है, क्या सचमुच बाबा जी वो पकड़ा गया? उसके मामा सिर हिलाकर बोलते, हाँ हम उसे वापस यहाँ पर लाने का इंतजाम कर रहे हैं। आर्यम के मन में एक तसल्ली पहुंचती है। वो अपने मामा को बोलता है, मामा जी याद रखना कि वो आदमी हमारे लिए बहुत कीमती है, आप उस पर नजर रखने के लिए अपना एक बॉडीगार्ड भेज दो। मैं नहीं चाहता कि हमारे पहुंचने से पहले उस पर कोई और अटैक करे। आर्यम जानता था कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो जयदेव उसे मरवाने की कोशिश भी कर सकता है। उसके मामा उसको दिलासा देकर कहते, सब चीज का इंतजाम हो गया आर्यम, तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके मामा फिर उससे बोलते, वैसे मैंने बाहर के लोगों से सुना है कि उसने किया क्या है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो हमारे लिए काफी यूजफुल होगा, लेकिन एक बार तू भी मुझे बता दे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से तू उससे इतनी नफरत करता है। आर्यम अपने मामा को बताता है, मामा आपको याद होगा कि इस आदमी ने ही अनन्या को किडनैप किया था। मैंने आपको बताया था कि मुझे पूरा शक है कि जयदेव की बड़ी बेटी तान्या ने ही इस किडनैपिंग की प्लानिंग की थी। अब जब वो पकड़ा गया है तब हमें जयदेव की बेटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया। आप सोच सकते हैं कि इसकी वजह से जयदेव पर क्या असर पड़ेगा। ये सुनकर इसके मामा के चेहरे की रौनक वापस आ जाती। वो मुस्कुरा कर कहते, आर्यम ये तो सच में बहुत बड़ा मामला है, अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करें तो हम जयदेव की इमेज को बर्बाद कर सकते। लेकिन आर्यम तुझे पूरा यकीन है ना कि ये किडनैपिंग जयदेव की बेटी ने ही करवाई थी? आर्यम तुरंत उसको बताता है, मामा जी मुझे पूरा यकीन, उसकी बेटी एक बहुत ही घटिया लड़की है, वह ऐसी गंदी हरकतें बड़े आराम से कर सकती है। उसके मामा फिर बड़े हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते, मतलब जयदेव की बड़ी बेटी ने उसकी छोटी बेटी को किडनैप करने का प्लान किया? ये छोटी बेटी वही है ना जिससे तू प्यार करता है? आर्यम तुरंत अपना सर हिलाकर बोलता है, हाँ वो अनन्या ही है, पर बात यह है कि हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है जिससे हम तान्या को गुनहगार ठहरा सके। उसके माँ बाप ये सुनकर काफी हैरान हो जाते, उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि मल्होत्रा परिवार में इतनी हलचल मच रही है। उसके मामा बोलते हैं, आर्यम ये सब वैसे बड़ा अजीब है, ये मल्होत्रा परिवार में आखिर चल क्या रहा है? आर्यम उनको समझाते हुए कहते, मेरे लिए तो इस परिवार ने मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया। ये मल्होत्रा परिवार के लोग शुरुआत से ही मेरे दादाजी के पीछे पड़े, वो मेरे दादाजी की मदद से अपनी बड़ी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते। मुझे इस मामले में आपको बाहर लाना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे दादाजी उस लड़की का असली चेहरा देखें जिससे वो अपनी बहू मानते। मैं चाहता हूँ कि तान्या का असली चेहरा सबके सामने आ जाए, दादाजी को भी इस बात का एहसास हो जाए कि तान्या कितनी गिरी हुई लड़की है, वो लड़की अपनी छोटी बहन की भी किडनैपिंग करवा सकती है। आर्यम ने फैसला कर लिया था कि वो इस मामले को सबके सामने लेकर आएगा। वो चाहता था कि तान्या की सच्चाई सबको पता चल जाए। आर्यम सच में आज बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि उसके मामा बहुत ही अच्छी खबर उसके लिए लेकर आए। उसके मामा उसे बताते, आर्यम जिस हिसाब से तुम मुझे बता रहे हो, अगर यही मामला निकला तो इलेक्शन में तेरे मामा की जीत पक्की हो जाएगी। आर्यम मुस्कुरा कर बोलते, मैं खुद यही चाहता हूँ मामा जी कि आप मुख्यमंत्री बने, आप मेरे परिवार से, मैं हमेशा पहले अपने परिवार को ही सपोर्ट करूंगा। मैं शुरुआत से ही जयदेव और उसकी मल्होत्रा फैमिली को पसंद नहीं करता था, वैसे हम लोग जयदेव की बर्बादी का प्लान बना रहे हैं और वो मुझे अपने घर की पार्टी के लिए बुला रहे हैं। आर्यम इनविटेशन कार्ड अपने मामा को दिखाते हुए कहता है, ये देखिए
हर साल की तरह इनके यहाँ क्रिसमस की पार्टी होने वाली है, उसी के लिए इसने मुझे बुलाया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बात सिर्फ पार्टी की नहीं, बल्कि ये कुछ और भी प्लान कर रहा होगा। उसके मामा मुस्कुरा कर बोलते, मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी की तुझसे शादी कराना चाहता है। जरूर वो तुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। आरम ये सुनकर थोड़ा और गुस्से में आ जाता है। वो अपने मामा से बोलता है, अगर वो अपनी छोटी बेटी से मेरी शादी करवाता तो बात कुछ और होती, पर मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके मामा भी हामी भरते हुए उससे कहते, बिल्कुल सही, क्योंकि तुझे याद होगा कि हमारे परिवार की शादी उनकी बड़ी बेटी के साथ होनी थी। अगर उसने अपनी छोटी बेटी की शादी तुझसे करा दी तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। जयदेव अपने और अपने परिवार की इज्जत को हमेशा बचा के रखना चाहेगा, इसलिए वो तेरी शादी कभी अनन्या से नहीं करवाएगा। ये सुनकर आरम को और गुस्सा आता है। वो अपने मामा से बोलता है, इसका मतलब वो जानता है कि मैं उसकी छोटी बेटी को पसंद करता हूँ, फिर भी एक बार भी उसने कभी भी अपनी छोटी बेटी के रिश्ते के बारे में मुझसे बात नहीं की, जबकि दूसरी तरफ उसकी बीवी रक्षा बार बार रमेश से मिलती रहती और उसको अपना दामाद बनाने की ख्वाब देखती। उसके मामा आरम के पास जाकर कहते, आरम मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां चल रही, तो बस एक बात याद रखना, भले ही कोई भी तुझे सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन तेरा ये मामा तुझे जरूर सपोर्ट करेगा। पंकज अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बहन के बेटे आरम की भी वो हमेशा मदद करे। आरम ये सुनकर थोड़ा और परेशान हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके परिवार में बाकी और कोई नहीं जो उसकी परवाह करता। वो अपने मामा को बताता है, मुझे बस आप ही से उम्मीद है, मेरे दादा तो सबसे ज़्यादा इस बात के खिलाफ है, उनको समझा पाना तो बहुत ही मुश्किल है, कभी भी ये बात समझने नहीं वाले। पंकज आरम को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारे दादाजी तुम्हें लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है, तू उनका इकलौता पोता जो है, इसीलिए वो तुझे खोना नहीं चाहते। आरम भी इस बात को समझता था। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते, पर बात यह है कि पिछली बार एक हादसे में अनन्या के बजाय मुझ पर जानलेवा हमला हो गया था, उसके बाद से ही मेरे दादाजी को मेरे लिए बहुत चिंता होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं अनन्या के साथ रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी के ऊपर हमेशा खतरा बना रहेगा। उसके मामा अपने भांजे की तकलीफ़ समझ सकते थे। वो साफ साफ देख सकते थे कि आरम इस वक्त अपने परिवार की मुश्किलों में उलझा हुआ है। पंकज आरम के कंधे पर अपना हाथ रखते आरम फिर बड़ी दर्द भरी आवाज़ में उनसे बोलता है, इस वक्त मेरे दादा की तबीयत भी ठीक नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनको कोई भी तकलीफ़ पहुँचे। अगर उन्हें पता चलता है कि मेरा अफेयर अभी भी अनन्या के साथ चल रहा है तो सच में उनको फिर तकलीफ़ होगी। कभी कभी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ कहाँ से आ रही हैं। आरम को हमेशा लगता था कि वो बहुत ही ताकतवर और पावरफुल इंसान है, पर आज उसे एहसास हो रहा था कि परिवार के सामने वो कुछ भी नहीं है। उसके मामा उसको दिलासा देते हुए कहते, आरम तू ज़्यादा परेशान मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों एक साथ आ जाओगे। भले ही जयदेव अपनी बेटी की शादी तुझसे ना करवाए, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को करीब लाकर ही रहूँगा। आरम तुरंत उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप वादा कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। पंकज आरम को अपने गले से लगा लेता है। मुझे अपनी मरी हुई बहन की कसम, मैं तेरी खुशियों के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा। ये सुनकर आरम को अपनी माँ का चेहरा याद आता है, वो काफी इमोशनल हो जाता है। कुछ देर के बाद पंकज उससे बोलते, ठीक है आरम, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी इतनी ज्यादा देर तक मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, लोग बातें बनाने लगते हैं। ये बोलने के बाद ही आरम के मामा जी वहां से चले जाते। उनके जाने के बाद आरम बार बार यही सोच रहा था कि किस्मत ने उसका फिर से साथ दिया। उसके मामा सच में उसके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आए थे। जिस चीज़ का आरम इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, आखिर वो चीज़ उसे मिल ही गई थी। इन सब के साथ साथ आरम के मन में एक बात खटक रही थी। वो अपने मन में बोलता है, तानिया पर तो मुझे पूरा यकीन है कि उसने अनन्या की किडनैपिंग कराई होगी, लेकिन इस किडनैपिंग में क्या उसकी माँ रक्षा भी इन्वॉल्व है? भला अनन्या को फ़ोन तो पहले उसी ने किया था, अगर वो फ़ोन ना मिलाती तो अनन्या की कभी किडनैपिंग होती ही नहीं। आरम को ऐसा लग रहा था कि ज़रूर रक्षा भी तानिया के साथ मिली होगी। कुछ देर सोचने के बाद उसको ये ख्याल भी आता, तानिया ने जब ये कांड किया था तब उसकी माँ रक्षा ने अनन्या को डिनर के लिए बुलाया था, तो क्या ये सब उसके प्लान की साजिश थी? क्या रक्षा भी अनन्या को किडनैप करवाना चाहती थी?
आर्यन के दिमाग में बार बार बस यही ख्याल आ रहे थे। उसे शक हो रहा था कि अनन्या की किडनैपिंग में शायद रक्षा भी शामिल है।